नमस्कार दोस्तों, आरएस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो देखिए, आज बोटने गले का ये ब्लाउज का डिजाइन है। 34 साइज के हिसाब से ये सारे मेजरमेंट हम कट करेंगे और 34 साइज का ये ब्लाउज का डिजाइन है। तो शोल्डर हमने लिया है बोटने के हिसाब से 7 इंच, आर्म होल भी लिया है 7 इंच, गले की चौड़ाई ले लेंगे 4 इंच 2 पॉइंट, गहराई गले की 11 इंच, पूरी 11 इंच लेंगे, ऊपर से 2.5 इंच लेंगे, 2.5 इंच पर ये बोट गला कट करेंगे, उसके नीचे फिर जो आएगा तो नीचे वाला गला कट करेंगे। तो कपड़े पर निकालने के बाद इसे हमें निकाल लेना है बुकरम के ऊपर। तो इस तरह से बुकरम के ऊपर गले को निकाल लेना है। तो ये हमने देखिए इसे निकाल लिया है और इसे कट कर लिया है। अब अस्तर और कपड़े को जोड़कर तैयार करेंगे। पहले तो इस तरह देखिए इस तरह कपड़े को जोड़ लिया है, सीधा निशान इस पर बना देना है। तो बराबर से मोड़ते हुए सीधा निशान हमने कर लिया है। अब ये जो गला कट किया है बुकरम के ऊपर, इस पर कपड़े पर रखते हुए हमने एक सीधी सिलाई डाल दी है। बाहर वाली साइड से कपड़े को फोल्ड कर देंगे इस तरह से। अब देखिए इस तरह इसको दोनों निशानों को मिलाकर रखना है। पहले एक सीधी सिलाई डालेंगे, फिर पूरे गले पर जहाँ से गले का निशान किया है वहीं से सिलाई लगा देंगे। तो ये हमने देखिए इस पर लगा दी है, ऊपर जो गला है उस पर भी लगा देंगे। दोनों गले पर ये सिलाई हमने लगा दी है। अब यहाँ से ये बुकरम पट्टी कट हो जाएगी और दोनों अलग अलग पलटना है। तो अब देखिए इस तरह इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद देखिए कट लगा दिया, पट्टी को अंदर की तरफ पलट लेना है। उसके बाद ऊपर से एक सिलाई इस पर लगा देनी है। तो इस तरह से सिलाई लगा दी है। उसके बाद देखिए ये गले को हमने पेपर के ऊपर निकाल लिया है। अब ये इस तरह से पतली पतली हमें पट्टियाँ तैयार करनी हैं। डिजाइन के लिए ये पट्टी ज़्यादा लगेगी, इसी से पूरी डिजाइन रहेगी। तो बनाकर इसको तैयार कर लेंगे। देखिए हमने सारी बनाकर तैयार कर ली है। अब पेपर पर जो गले का निशान किया है, जो स्ट्रैप पेपर है उसे कट कर देंगे, 1 इंच बचाएंगे। और फिर देखिए यहाँ से इस तरह से इसे लगाना है, 2-2 पॉइंट की दूरी पर इस तरह से लगाएंगे। चार पट्टियां इस तरह एक साइड लगाएंगे, चारों साइड से इसी तरह से लगानी है।
तो चार चार पट्टी करके चारों तरफ से दो दो पॉइंट की दूरी पर बराबर से इस तरह रखते हुए सिलाई लगाते जाना है। तो ये हमने देखिए लगा ली है, अब इसको गले पर सेट करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह बराबर से मिलाएंगे और बराबर से मिलाने के बाद एक साइड एक पिन लगा देंगे और फिर इसे सिलाई इस पर एक साइड से लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरह बराबर से पहले मिला लेना है। तो देखिए इस तरह इसको गले पर लगा दिया है। उसके बाद जो पेपर है उसे निकाल देना है। तो इस तरह हम पेपर को निकाल देंगे। अब देखिए इस तरह से लेस लगाने लेना है, गोल्डन लेस लेंगे और इस तरह से लेस को लगा देंगे। और नीचे वाली तरफ भी इसका प्लेट्स बना दिया और उसके बाद लेस इस तरह लगा देना है। अब देखिए यहाँ पर हमें लटकन बना लेनी है कपड़े की। तो ये कपड़ा ले लिया है और इस तरह से लटकन बना लेंगे। यहाँ पर देखिए तीन लटकन नीचे लगेगी और दो ऊपर लगाएंगे। तो इसी तरह से बना लेंगे, ये तीन देखिए इस तरह से लगानी है। तो इस तरह देखिए यहाँ पर लगा देना है। इसी तरह वो दोनों भी लगा देंगे, इसके एक इस साइड और एक उस साइड से, बीच वाली थोड़ी बड़ी रखेंगे। तो ये हमारा डिजाइन बनके तैयार हुआ। अगर अच्छा